न्याजी साहब वाला या जो भी हो, इस दे विच सियासी जमातां दे जुड़े रवैये ने, तमाम सियासी जमातां दे विच कैसे देखदे हो तुसीं कि उन्हां इंसाफ कीता है उन जमातां तमाम ने इन हवाले नाल? नवाज़ लीग जो रवैया है वो बहुत सोचा समझा और बहुत ज़्यादा मतलब है कि उसके पीछे थिंकिंग है, और बिल्कुल अफताब साहब ठीक कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का जो रवैया है ये जमहूरीयत को पनपने का एक मौका देने वास्ते है। देखो ये इस हद तक नवाज़ शरीफ साहब गए कि उन्होंने क्या कि जी 3 दिन मैं जवाब दो कि जी तुम 45 दिन झंडा करना कि नहीं, इस रिफॉर्म में झंडा उन्होंने किया, अगर से बाद में उन्होंने किया जी मैं अल्टीमेटम मेरी किताब नहीं, लेकिन इट वॉज अल्टीमेटम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये अल्टीमेटम सी। मैं खुद सुनया नवाज शरीफ साहब आफताब साहब ने सुनो सी कि हम मोहलत देते हैं 3 दिन की, मोहलत और अल्टीमेटम में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू का फर्क है। बस उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल, मैं समझदा जी, मैं समझदा कि नवाज शरीफ का फिर भी मैं कहना कि क्रेडिट उन्होंने देना चाहिए कि बहुत तहम्मुल ना, नहीं क्रेडिट तो जानता है लेकिन उसका एक मनफी पहलू भी है, मतलब साहब अगर अगर ऑपोजिशन दुरुस्त किरदार अदा कर रही होती तो अटेम्प्ट्स ना होते करप्शन। सुनो मेरी जी, मैं पूरी गल करना चाहना कि एक क्रेडिट है उन्होंने, लेकिन उन्होंने पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है जी 3 साल तो असेंबली बैठी है, और गुलाम अली साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मतलब है कि बहुत घट स्टैंड लेंदी है, ये हज स्कैंडल दे होते, मैं खुद आई विटनेस है, कोई ऐसा बड़ा स्टैंड यानी हज स्कैंडल से भी नहीं लिया उन्होंने जिसकी वजह नाल ये सारा कुछ होया। हुण सूरत हाल के है कि वो जी पार्लीमानी कमेटी जी मतलब इंक्वायरी वास्ते बैठी सी उसने भी मतलब रिपोर्ट दे दी है, उस तो पहले एक सैनेट की कमेटी गई सी जिस तरह गुलाम अली साहब ने जिक्र फरमाया, यानी मक्का मुकरमा गई, मदीना मुनवरा गई, उत्थे लोगों नाल उन्होंने इंटरव्यू किए, वापस आकर उन्होंने भी रिपोर्ट दी, मतलब इस मामले में हाजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी जो कुछ किया जो अपोजिशन को करना चाहिए, गलत सन अखियां खोलण वाली जी, ये जो साढ़े आनेबल 2 MNAs ने जिन्हें जो बिलास साहब और सामने तो कह रहे हैं, ये कौन लोग ने मुस्लिम लीग नूनू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कह रहे हैं कि रिपोर्ट से उन्होंने दी थी लेकिन उन्होंने मजीद इस इशू को हाईलाइट करना चाहिए थी, दबा क्यों गए, हशप क्यों किया गया इस मामले में? देखो गलेवी जी, मौलाना फजल रहमान साहब साढ़े से बहुत काबिल एहतराम ने, मेरा उन्होंने असी 90 तो मतलब असी इकट्ठे चले आ रहे हैं, मैं बड़ा कर कि 3 साल तक हुकूमत के दरम्यान वो मौजूद रहे हैं, उन्होंने हुकूमत की कोई खामी नज़र नहीं सी आती, एक मिनिस्टर नू सैक किया गया तो जनाब अली हुकूमत सारी गलत हो गई जी। मैं दसो कि क्या एक असूलों से दस्तबरदार होने हुकूमत तो या अपने एक मिनिस्टर नू सैक करने की वजह दस्तबरदार होए ने? अच्छा, मैं समझना सिर्फ एक मिनिस्टर की वजह ना मौलाना साहब ने उसनों अपना अनादा मसला बना लिया कि क्यों उसको सैक किया गया जी मिनिस्टर नू जी। अगर असूलों से जाना सी तो तुम जनाब अली 3 साल हुकूमत का हिस्सा रहे हो, सियाओ सफेद मालिक हो, सब तो छोटी जमात थोड़ी है, सब तो ज्यादा मनुष्या थोड़े को ने, बलोचिस्तान के तुम मालिक हो, कमेटियां सारियां थोड़े को, कश्मीर कमेटी सब तो एक जो है, और मैं गुजारिश ये करना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करो, कोई पॉजिटिव चीजा सामने लेके आओ, मतलब चाहिए जी कौमी एजेंडा जो कौमी एजेंडा जो आया है यूआई का इस वक्त इतना ज्यादा उम्मीद नहीं लानी चाहिए 43 दिन, लेकिन फिर भी मतलब गिलानी साहब ने एक विलिंगनेस का इजहार किया, उन्होंने कहा मैं सारे सियासी लीडर नु नाल मिला के कमेटी भी आज बना ली थी, गई उन्होंने बुला ली हुई है, तो फिर उस तो बाद फिर है कि वो 43 दिन के कर दें ये देखना चाहिए कौम नु, और नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है देख रहे हैं और नवाज शरीफ की पार्टी भी देख रही है, और मैं कहना मैं उस दिन भी एक मतलब कि कोई हरज नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब अगर ये 43 दिन गुजर दें उस तो बाद ये मुतालबा करन कि भाई ये हुकूमत नहीं जा सकती, इन्होंने नहीं कर सके गुड गवर्नेंस शो नहीं कर सके, करप्शन खत्म करने का कोई फिर एक मिड टर्म इलेक्शन वाइज इलाज है, और नवाज शरीफ साहब ने इस तो पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो जी जमहूरियत ऐसा मिड टर्म इलेक्शन इससे मतलब कवात है, हाजी साहब तू मैं जवाब ले लवा कि देख रही है जी अपोजिशन में बैठ के बात करने का इतना वजन नहीं होता कि हुकूमत में बैठ के आप मुखालफत करें। NRO नवाज शरीफ की वजह से नहीं रुका, NRO जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से रुका और MQM की वजह से रुका,
कि जब हम दोनों ने कहा कि हम नहीं मानते तो इनको पास करने का मेजॉरिटी खत्म हो गई। अगर हम साथ होते आप हजार दफा कहे, आप तो हर रोज कहते हैं, लेकिन वो कानून नम... हम साथ नहीं, होते तो फिर तो नहीं, आप तो अपोजिशन में आप किस तरह साथ होंगे? आप तो आप पास नहीं हो सकता। देखिए ये पूरी कॉम सुन रही है, एक मिनट मुझे देखिए, एक मिनट कॉम सुन रही है, यही सुनो के बाद नहीं बात सुनो, आप तो अपोजिशन में है ना, आप तो कहेंगे कि हम नहीं मानते, बात तो माननी पड़ेगी शेख साहब। देखो देखो एक सियासी कारकुन नंबर एक, नंबर एक हम हुकूमत में थे, हमने कहा कि हमारे जीएसटी नहीं मानते, उस वक्त हमारा वजीर भी नहीं गया था और सेनेट में सिर्फ हमने और एमक्यूएम ने कहा कि हम नहीं मानते, बाकी इन्होंने भी माना है और काफ ने भी माना है। खामोशी नीम रजा, सबसे पहले नहीं रिकॉर्ड है ना जी, जिस तरह ये आई देखो अहमद हसन साहब, अहमद हसन साहब आई विटनेस है कि हमने असेंबली में क्या दंगल मचा रखा था इस पे, दो आज पे आप देख ले, हमने इजलास बुलाया, हमने वज़ीर आज़म को कहा कि आप कीमतें कम करेंगे। मैं ब्रेक पे जाने हाजी साहब, ब्रेक वापस आके से ब्रेक तो वापस आके इससे पॉइंटों से कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा लेंगे और वापस आके अपनी गलबात नो आगे बढ़ावेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नासरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने हैं और ब्रेक तो जान तो पहले भी थी गल हो रही है। हाजी साहब बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया है मुस्लिम लीग नवाज ने? हाजी साहब यही गल हो रही थी कि प्रैक्टिकली तुम चाहते हो कि इन्होंने कुछ करना चाहिए, जीएसटी पे हमने जो कोर्ट का साथ दिया गले में, देखिए और इसमें एक मिनट गल करता हूं गले में जनाब, बर्फ से ज्यादा ठंडे हैं हम मुस्लिम लीग नवाज, मेरे पास होल्ड लो ना, इंजेक्शन की जरूरत है क्या जरा, इंजेक्शन दी जरूरत, इंजेक्शन दी, इंजेक्शन ने कौन सा इंजेक्शन लगाया? आप क्यों खामोश है? देखो ये मैं आपकी कौम के सामने आपके चैनल की वसादत से बताना चाहता हूँ कि देखो इन्होंने पंजाब के गवर्नर पर दोनों पार्टी मुत्तफिक हो चुके हैं और मामला 45 नहीं के 5.5 साल भी गुजर जाएंगे, बर्फ पे बर्फ के ब्लॉक पर लिख ली और मिट जाएगा, क्यों के खामोशी, और किसको जिसको रुकवाया गया, जो लोग टीवी पे आते थे, जो तख्ते लाहौर के खिताब देते थे, उनको आउट कर दिया, इसलिए खुश है जब उसको आउट कर दिया, इनके आदमी है, सब कुछ ठीक है। जी शेख साहब दो तीन सवाल इकट्ठे हो गए, देखो जी शेखो से पंजाब में देखो ये बात सुनो, गुजारिश है कि असि नेशनल असेंबली मेंबर आ, कोई पहलवाना का अखाड़ा तो है क्यों नहीं कि असि उसे कुश्ती शुरू कर दईए, उत्थे देखो नेशनल असेंबली पूरी दुनिया तुसीं देख लो कि हमेशा जिहड़ा किरदार हुंदा है असेंबली दा वो ये होंगे कि तुसी हकूमत की जी पॉलिसी तनकीद करते हो, हकूमत तुसी एक गाइडलाइन देंदे हो। मैं तुसी दसो कि मुस्लिम लीग नून वाहिदो जमात है कि जनाब पहले 2 महीनों असूलों से इख्तलाफ करके 15 वजारत छोड़ के घर आ गई है, पेट्रोलियम की वजारत साढ़े को, फाइनांस की वजारत साढ़े को, अजकल बड़ी की पोस्टा साढ़े को सर, लेकिन असी महसूस किया है कि नहीं एक कौमी एजेंडा नहीं, असी 15 वजारत कुर्बान कीतिया ने पंजाब, हाली तक उन्होंने असी वो वजारत दे के बैठे हैं, गल ये कि असूली तौर पर इख्तियारात नहीं, इख्तियारात फिर वो तो कहने ने कि संत कोई इख्तियार नहीं, नहीं नहीं इख्तियार उन्होंने को है, बस ये तो वजीर ने वो जो खुद मुख्तार ने, ऐसी कोई करप्ट लोगों की गल हो रही थी, लतीफ खोसा साहब के ऊपर मैं दोबारा